साथ लगा लीजिए सब लोग, एक एक से बात करना बहुत कठिन होगा। सब दो ही लोग, सारे लोग लगा और आगे होंगे, सारे और नहीं बच गए कोई नहीं। सुनो सर, एक टीटी दे दीजिए मेरे को, फिर मैं ले लूँगा। एक मिनट, टीटी एक कर लेंगे, उसके बाद कर लेना आप। देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ मौजूद है, आइए सीधे इनसे बात करते हैं। सर, अभी आपने पूरा जायजा लिया, क्या हालात है, किस तरीके कंडीशन है, कितना और समय लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, NDRF और ITBP और SDRF और आर्मी के जवान लगातार वहाँ पर जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको, उनके पास पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह जो गति थी पहुँचने की, लगभग पर आवर 4 मीटर था, लेकिन इस समय लगभग ये काम की गति 15 से 20 मीटर तक आ रही है पर आवर। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो टी पॉइंट है, जो 180 मीटर पर है, वहाँ तक पहुँचने में अगर ऐसी ही परिस्थितियाँ रहें जैसे इस समय हैं अंदर की स्थिति, तो 3 घंटे में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सर, अगर डिले करते हैं तो क्या रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा? रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और जवान जो है रात दिन एक किए हुए हैं। ये मैं कहूँ कि अपनी जान हथेली पर रखकर वो काम कर रहे हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं। यहाँ कुछ मजदूर आए जिनकी फैमिली, जिनका कहना है कि पीछे की तरफ उन्होंने देखा काफी लोगों को जो बिल्कुल ही रेत में, बिल्कुल ही जो मलबा है उसके अंदर समा गए, तो क्या उस जगह पर भी उनकी बॉडीज निकालने का काम शुरू होगा? अभी आज टेक्नोलॉजी के युग में ये ऐसी व्यवस्था है कि उनको वायु से, आसमान से ये पता चल सकता है कि यहाँ पर कोई है, तो हमारी कोशिश होगी कि जिनको निकाला जा सकता है उनको निकालेंगे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अंतिम दर्शन को बहुत अच्छा माना गया है, कि अंतिम दर्शन को एक धर्म माना गया है उसको, तो हमारी कोशिश होगी कि उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, उनके परिवार को दिखाया जाए। सर, टनल के अंदर किसी से कांटेक्ट हो पाए या उम्मीद है कि अंदर सभी जिंदा लोग आएंगे? कोई कांटेक्ट अभी तक नहीं। 13 गांव ऐसे हैं जिनसे कांटेक्ट टूट गया है, उनसे कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर कैसे उन लोगों तक? मैं राहत सामग्री वहां भेजी गई है, हमारे मिनिस्टर, हमारे सांसद वहां पर गए थे और कल मैं भी जाऊंगा। चले, फिलहाल आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्होंने टनल में जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है बकायदा उसका पूरा जायजा लिया। जो यहाँ पर टीम मौजूद है उन लोगों से इन्होंने बातचीत की, उम्मीद ये है कि अभी भी अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको जिंदा बाहर निकाला जा सकता है। इन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जाको रखे साइया मार सके ना कोई, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है। और यहाँ पर भी जितने लोग जो मौजूद हैं सभी दुआएं कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगातार जो है वो उसकी रफ्तार जो है वो बढ़ रही है। अमित कुमार चौधरी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।